मृतक के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि वो कौन था, कहां का था। शायद वो रेस्टोरेंट में अकेला ही आया था। कपिल ने गंभीरता से सिर हिलाया और रेस्टोरेंट के मेन हॉल में नजरें दौड़ाई। सौम्या कहीं नहीं दिखाई दी, शायद वो अर्णव के साथ चली गई थी। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला, कपिल ने पूछा, जिसकी चीख सुनाई दी थी। कपिल ने सिर हिलाया, हालांकि वो उस हरी आंखों वाली लड़की की बात कर रहा था जिसकी तस्वीरें मृतक की जेब से बरामद हुई थीं। कौन जाने, दोनों एक ही है। नहीं, अमन बोला, उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वैसे चीख वॉशरूम की ओर से आई थी और उसके पीछे रेस्टोरेंट का पिछला हिस्सा जो कि सुनसान और खाली पड़ा है, हो सकता है चीख उधर से आई हो, रेस्टोरेंट के पीछे से। हाँ, चीखने लायक घटना तो वॉशरूम में ही हुई थी, लेकिन अगर वो लड़की वो जो भी थी मर्डर होता देखकर चीख पड़ी तो वहां से गायब कैसे हो गई और क्यों हो गई। हत्यारे का गायब होना तो समझ में आता है, लेकिन वो लड़की जिसकी चीख सुनाई दी थी वो भी हत्यारे जितनी खामोशी से वहां से क्यों गायब हो गई, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने सोचा कि हो सकता है चीख वॉशरूम से आई ही ना हो, रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से से आई हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता, तुम कहना चाहते हो, कपिल बोला, कि रेस्टोरेंट के पीछे भी कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से कोई लड़की चीख पड़े। पता नहीं, अमन बोला, ये सब एक पहेली जैसा लग रहा है। अगर चीख वॉशरूम से ही आई थी तो वो लड़की वहां से गायब कैसे हो गई और क्यों हो गई। शायद चीख की आवाज रेस्टोरेंट के पीछे से ही आई हो, वॉशरूम भी पिछले हिस्से में है तो हो सकता है यहाँ हॉल में बैठे लोगों को यही लगा हो कि चीख वॉशरूम से आई थी। तुमने रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से को चेक किया? हाँ, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वैसे वो हिस्सा वीरान ही रहता है, वहाँ कौन आया कौन गया देखने वाला कोई भी नहीं है। अभी के लिए इतना काफी है, कपिल बोला, सुबह लीना को पूछताछ के लिए बुलाया है। उम्मीद है लीना के बयान से मरने वाले के बारे में कुछ पता चल सकेगा। मृतक और उस तस्वीर वाली लड़की की शिनाख्त करने की कोशिश करेंगे। दोनों की तस्वीरें अन्य पुलिस थानों चौकियों को भेजो और हमारे पुलिस स्टेशन के सोशल मीडिया के ग्रुप्स में भी शेयर करो, शायद कहीं से कुछ पता चल सके। ठीक है, घटना के समय लाइट जाने के बाद जो लोग रेस्टोरेंट से चले गए थे उनके बारे में भी पता करने की कोशिश करो, उनसे पूछताछ करना भी जरूरी है। कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो किसी किशोरी के साथ, हो सकता है उसकी बेटी हो। उनके अलावा तीन नौजवान भी थे, पता लगाना मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आओ तुम्हें इस सड़े हुए रेस्टोरेंट की एक शानदार चीज दिखाऊं, कपिल बोला। क्या? अमन हैरानी से बोला। कपिल उसे लेकर काउंटर वाले हिस्से के पीछे स्थित उस कमरे में पहुंचा जहां वॉशरूम वाले गलियारे में जाने वाला वो गुप्त दरवाजा था। क्या है? अमन दीवार की ओर देखते हुए बोला। देखो, कपिल ने दीवार की ओर इशारा किया। अमन ने गौर से दीवार को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दीवार के ही रंग के बिल्कुल दीवार का हिस्सा लगने वाले उस दरवाजे की उपस्थिति का एक नजर डालने पर पता ही नहीं चलता था। ये कैसा दरवाजा है, उसने कपिल से पूछा। ये रेस्टोरेंट का मालिक, कपिल बोला, एक सीसीटीवी कैमरा अपने रेस्टोरेंट में नहीं लगवा सकता था, लेकिन साले ने हत्यारे के निकल भागने के लिए ट्रैप डोर बना रखा है। जी, पीछे से आवाज आई। कपिल और अमन दोनों ही चौंक कर घूमे। पीछे श्यामलाल खड़ा था, उन्हें उस कमरे में आते देख वो भी उनके पीछे चला आया था, लेकिन वो इतनी खामोशी से आया था कि उन्हें भनक ही नहीं लगी कि वो कब वहां पहुंच गया। वो, कपिल को एहसास हुआ कि श्यामलाल ने उसकी बात सुन ली थी, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर खिन्नता के भाव उभर आए। लाइट, अमन जल्दी से बोला, लाइट कैसे चली गई थी? मुझे क्या पता कैसे चली गई थी, श्यामलाल खिन स्वर में बोला। लाइट का स्विच कहाँ है? मेरा मतलब मीटर, यही, इसी कमरे के पीछे, श्यामलाल बोला, रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में। वो कपिल और अमन को लेकर रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहां बिजली का मीटर लगा हुआ था। कपिल और अमन दोनों ने गौर से मीटर का मुआयना किया। घटना के समय केवल रेस्टोरेंट की ही लाइट गई थी, आसपास किसी भी अन्य दुकान या मकान की लाइट नहीं गई थी। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, अमन ने कपिल से कहा। इस पर से भी फिंगरप्रिंट चेक करवाओ, कपिल ने कहा। अभी करवाता हूँ, कपिल ने आसपास नजर दौड़ाई। रेस्टोरेंट का पिछला हिस्सा सचमुच सुनसान था, वहाँ कोई जीव जंतु तक नहीं दिखा। रेस्टोरेंट की पिछली दीवार के उस हिस्से पर नजर डाली जहाँ वॉशरूम का रोशनदान दिखाई दे रहा था। रोशनदान काफी छोटा है, अमन बोला, इससे किसी आदमी का निकलना मुश्किल ही लगता है, अगर एकदम ही पतला दुबला ना हो तो। पतला दुबला आदमी, कपिल बोला, या फिर कोई लड़की,
लड़की, अमन ने कपिल की ओर देखा। तुम्ही ने तो कहा था कि हो सकता है कि चीख वॉशरूम से ना आई हो, यहाँ पिछले हिस्से से आई हो सकता है दोनों जगह से आई हो। दोनों रोशनदान के पास पहुँचे और आसपास की जगह का बारीकी से मुआयना किया, लेकिन वहाँ किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले जो वहाँ हाल ही में हुई किसी गतिविधि या उठापटक का संकेत दे रहे हों। फिर वे रेस्टोरेंट के मुख्य हॉल में पहुँचे। मुर्दा गाड़ी लाश को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी। अमन एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को पकड़कर मीटर पर से फिंगरप्रिंट्स उठवाने के लिए रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में चला गया। वॉशरूम को सील करने आदि की कार्यवाही करते करते रात 10 बजे से ऊपर टाइम हो गया। उसके बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर श्यामलाल को आवश्यक दिशा निर्देश देकर कपिल, अमन और बाकी पुलिस वाले वापस पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। सुबह सौम्या की आंख खुली तो लीना उसके सिर पर सवार थी। उसने लीना को गले से लगा लिया। अरे, लीना हैरानी से बोली, क्या हुआ दी, कोई सपना देखा क्या? उसे बाहों में समेटे आंखें मूंदे सौम्या कुछ देर तक वैसी ही रही, फिर उसने लीना को बाहों की कैद से आजाद किया। क्या सपना देखा? लीना ने फिर पूछा। बहुत डरावना सपना था, सौम्या सिर नीचे किए धीमे स्वर में बोली, जैसे अपने आप से ही बात कर रही हो। बताओ न, लीना ने सौम्या का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, बुरा सपना बता देना चाहिए, बता देने से सपने का असर खत्म हो जाता है। सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद इस तरह की कोई भी बात अब उसे मजाक ही लगती थी। जाने दे, वो बिस्तर से उतरते हुए बोली, कुछ नहीं था सपना, फिजूल बकवास थी। कल रेस्टोरेंट में जो घटना हुई थी उसी के बारे में देर तक सोच रही थी, शायद उसी का असर था। ओके, लीना बोली, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, मुझे आज जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि स्टोर जाने से पहले जीजू के दरबार में भी हाजिरी लगानी है। सौम्या कुछ नहीं बोली। उसका और कपिल का डाइवोर्स होने के बाद भी लीना कपिल को जीजू ही कहती थी और सौम्या जानती थी कि वो कुछ भी कहने से मानने वाली नहीं थी। अगर सौम्या खड़े पैर अभी इसी वक्त दूसरी शादी कर लेती तो भी लीना के लिए जीजू कपिल को ही रहना था। लीना नहा धोकर पहले ही तैयार हो चुकी थी। अब उसे किचन का काम निपटाना था। जब तक सौम्या दैनिक कार्यों से निपट कर तैयार हुई तब तक लीना नाश्ता भी बना चुकी थी और अपने और सौम्या के लिए टिफिन भी बनाकर पैक कर चुकी थी। दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया। कुछ देर बाद ही सौम्या हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गईं। अगले दिन सुबह कपिल की आंख खुली तो 8 से ऊपर टाइम हो रहा था। रेस्टोरेंट में जांच पड़ताल से लौटने के बाद वो पुलिस टीम के साथ पहले सिटी कोतवाली गया था, जहां से घर लौटने तक 12 से ऊपर टाइम हो चुका था। उस समय तक कपिल इतना थक चुका था कि वो आते ही सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। करीब 8 घंटे तक बेहोशी की नींद सोने के बाद उसकी आंख खुली तो सूरज आसमान में था। अंगड़ाई लेते हुए कपिल उठा, नींद सी ही हालत में वॉशरूम में पहुंचा। नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात वो किचन में पहुंचा और अपने लिए एक कप स्ट्रांग कॉफी तैयार की। कॉफी का कप हाथ में लेकर वो घर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, जहां उस दिन का अखबार जाने कब से पड़ा था। अखबार उठाकर कपिल डाइनिंग रूम में ही सोफे पर पसर गया और कॉफी की चुस्की के साथ अखबार का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। अखबार के मुख्य भाग पर देश दुनिया की खबरें थीं, जिन्हें पढ़ने तक कपिल अपनी कॉफी खत्म कर चुका था। फिर अखबार के अंदर के आंचलिक वाले भाग का नंबर आया, जिसमें स्थानीय स्तर के समाचार होते हैं। आंचलिक के मुख्य पृष्ठ पर नजर पड़ते ही कपिल का मन वितृष्णा से भर गया। पहले पन्ने पर ही रेस्टोरेंट में हुई भयानक हत्या की खबर थी और लाश का फोटो भी छपा था। कपिल को अच्छी तरह याद था कि शव को वहां से निकाले जाने तक किसी प्रेस रिपोर्टर को घटना स्थल तक वॉशरूम, जहां कत्ल हुआ था, नहीं जाने दिया गया था। लेकिन अखबार में छपी फोटो वॉशरूम में यूरिनल में पड़े शव की ही थी। हालांकि दृश्य की विभत्सता को कम करने के लिए इमेज को कुछ ब्लर कर दिया गया था। जरूर किसी ने मोबाइल से फोटो ली होगी, उसने सोचा। मोबाइल में कैमरे जुड़ने के बाद से हर कोई फोटोग्राफर बन चुका है। फोटो खींचने में लोगों को एक सेकंड की भी देर नहीं लगती। हॉलीवुड की पुरानी वेस्टर्न फिल्मों में ड्रॉप कहने पर जितनी तेजी से जॉन वेन गन निकाल कर फायर करता था, उससे भी ज्यादा तेजी से लोग आजकल मोबाइल निकाल कर फोटो खींच लेते हैं। एंगल वगैरह से भी फोटो मोबाइल से हड़बड़ी में ली गई ही लग रही थी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।